हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 16 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 16 वीडियो में प्रश्नावली 7.5 में है, कह रहा है कि 1 से 21 तक के प्रश्नों में परिमेय फलनों का समाकलन कीजिए। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 तक देख चुके थे, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हमें इंटीग्रेशन निकालना है 2y में 1 - x इंटू 1 + x² विथ रेस्पेक्ट टू x। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, लेट 2y 1 - x इंटू में 1 + x² इक्वल टू में a/1 - x, ठीक है, और प्लस में bx + c बटा में 1 + x², क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है तो ऊपर दो कांस्टेंट इस तरह से हमें लेना होगा। चलिए 2 / 1 - x इंटू में 1 + x², इधर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 1 - x इंटू में आपका 1 + x² ही ना, तो इसमें इसे भाग करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा, a इंटू में 1 + x² हो जाएगा, और प्लस इसमें इसे भाग करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा, तो bx + c इंटू में आपका हो जाएगा x - 1। चलिए ये आपका कट जाएगा। यहाँ पे देखते हैं, यदि x बराबर 1 रख देते हैं तो देखो 1 रखने से, यहाँ देखो ये 1 रखने से 0 हो जाएगा, तो ये सारा 0 हो जाएगा, और यहाँ 1 रखने से 1 - 1 = 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 - 1 = 2। 2a = 2 यानी a का वैल्यू आ जाएगा 1, a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। यदि x बराबर में अगर हम लोग रख देते हैं आपका, मान लो 0 रख देते हैं, ठीक है, तो 0 रखने से देखो क्या होगा, 0 रखने से यहाँ पे a आ जाएगा। आगे चलते हैं, 0 रखने से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 0 रखने से ये गायब हो जाएगा, c बचेगा, और यहाँ -1, तो -c कर देते हैं यहाँ पे, -c, समझ गए ना, 0 रखने से गायब हो गया, ये 0 रखने से -1, तो c इंटू -1 - c, और बराबर में आपका है 2, ठीक है, बराबर में क्या है आपका 2 है। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना होगा जी, a का मान 1 रख देना होगा, 1 - c = 2, यानी यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा -1, c का वैल्यू कितना आ जाएगा, -1। चलिए अब c भी निकल गया, b निकालने के बाद यदि हम लोग x के जगह अगर यहाँ रख देते हैं -1 रख दें, या फिर एक काम करते हैं 2 रख देते हैं, 2 x बराबर 2 रखेंगे, तो यहाँ देखो यहाँ पे पहले क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 = 5, 5a, अच्छा 2 रखेंगे तो 2 में से 1 गया आपका, 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, और गुना होगा तो यही आएगा, यहाँ पे आप रख देते हैं 2, तो 2b और प्लस में c बराबर में 2। चलिए अब यहाँ पर मैं a का वैल्यू रखता हूँ 1, 2b और c का वैल्यू रखता हूँ -1 बराबर में 2। चलिए तो 5 + 5, 5 में से 1 गया आपका, 4 आ जाएगा, 2b + 4 बराबर में 2, ये जाके उधर घटेगा, 2b बराबर में -2 यानी b बराबर में -2/2, कट के आपका b का वैल्यू -1 आ जाएगा, b का वैल्यू क्या आ गया, -1 आ गया। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग यहाँ कर देंगे, abc निकल गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ 2/1 - x इंटू में 1 + x² dx, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ a/1 - x dx, और इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका, bx + c/1 1 + x² dx। चलिए अभी यहाँ पे अलग अलग कर देते हैं इनको, ठीक है, और a, b, c का वैल्यू रखते हैं, तो a का वैल्यू क्या है, तो a का वैल्यू है आपका 1, तो इंटीग्रेशन 1/1 - x dx, यहाँ से अलग करो bx वाले को और c वाले को, तो b बाहर निकाल लेते हैं, x/1, या b का वैल्यू भी रख दो, b का वैल्यू क्या है, तो b का वैल्यू -1 है, और हो जाएगा आपका x/1 + x² dx, और c का वैल्यू, तो c का वैल्यू भी -1 है, यानी कि यहाँ पे -1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² dx, कोई दिक्कत नहीं है इसे। चलिए एक काम करते हैं ना, मैं एक काम करता हूँ इसका, अगर इसके इसकी बात करें तो यहाँ पे आप एक काम करो, यहाँ पर बाहर माइनस लगा दो और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ x - 1 dx लिख दो, ठीक है, यहाँ माइनस का 1 यानी माइनस ही रहने देंगे, x/1 + x² है ना, तो इसमें 2 से गुना और 2 से भाग कर देते हैं ताकि इसका डिफरेंशिएशन ऊपर हो जाए, -1 लिखने की जरूरत नहीं है, 1/1 + x² dx, समझ गए, तो यहाँ पर जो होगा -log x - 1 आ जाएगा, समझ गए ना, देख लो अगर आप इस माइनस से गुणा करो तो माइनस वाला प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, और इसका डिफरेंस तो 1 ही होता है ना जी, तो ऐसे लिख सकते हैं।
चलिए माइनस का 1 बाई टू लॉग एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का यहाँ टेन इनवर्स एक्स और प्लस में सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 3x माइनस 1 बटा में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। यहाँ पे मान लेंगे 3x माइनस 1 बटा में x प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर में a बटा में x प्लस 2 और प्लस में b बटा में x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यही हम लोग रूल जानते हैं 3x माइनस 1 बटा में x प्लस 2 का होल स्क्वायर और बराबर में मैं इधर एलसीएम ले लेता हूं तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही आएगा, इसमें भाग करूंगा x प्लस 2 जाके ऊपर गुना करेगा प्लस इसमें इससे भाग करूंगा 1 आएगा, 1 जाके b में गुना करेगा b ही आएगा। आप देखो इससे ये काट देंगे, अगर मैं यहां पर देखो x बराबर में माइनस का 2 रख दूं तो माइनस 2 रखने से ये 0 हो जाएगा ना जी, b बच जाएगा और बराबर में इधर क्या आएगा माइनस 2 रखने से माइनस का 6 और माइनस का 1 माइनस का 7 हो जाएगा ना। चलिए तो माइनस 7 आ गया और अब देखो यदि यदि x बराबर में मैं 0 रख देता हूं तो देखो यहां पे ये 0 हो जाएगा 2a प्लस b और बराबर में माइनस का 1, b का वैल्यू यहां माइनस 7 रख देते हैं तो 2a माइनस 7 बराबर में माइनस का, ये माइनस वाला 7 उधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 2a बराबर में आ जाएगा आपका 6 और ये बराबर में आ जाएगा 6 बटा 2 यानी कि 3, ठीक है, a का मान 3 और b का मान माइनस 7। एक्चुअल में आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया है यहाँ पे तो x प्लस 2 दे दिया है लेकिन आपके आंसर के अनुसार जो ना यहाँ x माइनस 2 होना चाहिए, यहाँ माइनस 2 होता तो आंसर आपका सेम टू सेम आ जाता जो आपके बुक में दिया है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसी पे बना देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस 1 बटा में x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ a बटा में x प्लस 2 dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b बटा में x प्लस 2 का होल स्क्वायर। a का वैल्यू है आपका 3 बटा में इंटू में 1 बाई 1 प्लस 2 dx, यही ना होगा, और यहाँ b का वैल्यू है आपका माइनस का 7 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में आपका हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर dx। चलिए आगे देखते हैं, यह आपका 3 log x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ माइनस 1 बाई 7 इसका हो जाएगा माइनस का 1 बटा में x प्लस 2 और प्लस में, यानी कि 3 log x प्लस 2, ठीक है, और फिर आपका प्लस का 7 बटा में x प्लस 2 प्लस, ये आपका समीकरण समाकलन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, हमें इंटीग्रेशन निकालना है 1 बटा में x का पावर 4 माइनस 1 dx, तो मैं इसका गुणनखंड कर देता हूँ, इसका आ जाएगा x माइनस 1 इंटू में आपका x प्लस 1 और इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 dx, इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए अब इसको लेते हैं, लेट 1 बटा में x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में a बटा में x माइनस 1 प्लस b बटा में x प्लस 1 और प्लस में सी एक्स प्लस डी बटा में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, उधर एलसीएम ले लेते हैं तो 1 बटा में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 और इंटू में x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में इधर एलसीएम ले लिया जाए x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 और इंटू में आपका x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ जाएगा a इंटू x प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस सी एक्स प्लस डी इंटू में आपका क्या हो जाएगा, इसमें भाग गए ये दोनों बचेगा एक्स माइनस 1 और इंटू में आपका एक्स प्लस वन, ध्यान रखना एक्स प्लस 1 लिखा है मैंने, थोड़ा सा जगह कम बच रहा है एक्स प्लस 1, ठीक है। अब अगले स्टेप में देखिए ये कट जाएगा, अब यहां से हम a, b और c का वैल्यू निकालते हैं, पहले a, b, c का वैल्यू निकालते हैं। चलिए तो मैं यहां पे यदि x बराबर में 1 ले लेता हूं, x बराबर में 1 ले लेता हूं तो देखो क्या होगा, ये 1 लेने से ये 0, 1 लेने से ये सारा 0, 1 लेने से यहां पे क्या होगा 2 2 2 2 4 4 a बराबर में 1 यानी a का मान कितना जाएगा 1 बाई 4। यदि
यदि x बराबर में माइनस का वन ले लेता हूं, माइनस का वन, ठीक है, तो आपका ये जीरो हो गया, यह जीरो हो गया, यहाँ पे देखो माइनस वन रखने से माइनस टू हो जाएगा और माइनस वन रखने से प्लस का टू, प्लस का माइनस का फोर बी बराबर में वन, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा माइनस वन बाई फोर, b का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका माइनस वन बाई फोर, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, यदि x बराबर में मैं जीरो रख देता हूं, तो जीरो रखने से देखो क्या होगा, यहाँ वन, यहाँ वन a बचेगा, जीरो रखने से यहाँ पे ये माइनस का वन, यहाँ प्लस का वन, तो माइनस बी हो जाएगा, और जीरो रखने से यहाँ देखो आपका यह सी वाला गैप हो जाएगा, डी बचेगा, और यहाँ पे थोड़ा देख लिया जाए, यहाँ पे जीरो रखने से माइनस का वन प्लस का वन यानी माइनस डी हो जाएगा, बराबर में आपका कितना हो जाएगा वन, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी का वैल्यू रखते हैं, तो ए का वैल्यू वन बाई फोर और बी का वैल्यू माइनस वन बाई फोर, माइनस डी बराबर में वन, तो माइनस में प्लस, एक बटा चार, एक बटा चार, एक बटा दो, माइनस का डी बराबर में एक, ये जाके उधर प्लस का, या इधर माइनस का, डी का वैल्यू माइनस का वन बाई टू आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का वन बाई टू। अब रही बात सी का निकालने के लिए, तो देखो ना अब कोई दूसरे मान पे चलते हैं, दो लिख देते हैं, यदि एक्स बराबर में दो, एक्स बराबर दो रखेंगे तो दो एक तीन, दो एक तीन, दो रखेंगे तो दो का स्क्वायर चार, चार एक पांच, पांच और यहाँ पे तीन, पांच या पंद्रह ए, प्लस अगर मैं यहाँ पर अब दो रखता हूं तो दो में से क्या एक, यहाँ दो रखूंगा, दो का स्क्वायर चार, चार एक पांच, पांच बी, ठीक है, पांच बी आ जाएगा, समझ रहे ना, दो का स्क्वायर चार और एक पांच, पांच बी, अच्छा दो रखूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका टू सी प्लस में डी, और दो रखूंगा तो यहाँ एक, और यहाँ दो रखूंगा तो दो एक तीन हो जाएगा, और बराबर में आपका एक। आगे सॉल्व करते हैं, यहां से हम लोग सी का मान निकालेंगे, तो पंद्रह गुना ए का मान कितना है आपका एक बट्टा चार, प्लस पांच गुना बी का मान माइनस एक बट्टा चार, यहाँ पे देखो सिक्स सी प्लस में थ्री और डी का मान माइनस का वन बाई टू बराबर में वन। ये देखो ये माइनस का पांच बट्टा चार, ये पंद्रह, पंद्रह बट्टा चार, तो पंद्रह में से पांच गया दस बट्टा चार, और यहाँ पे प्लस का सिक्स सी माइनस का तीन बट्टा दो बराबर में एक। चलिए ये दोनों कट जाएगा, पांच बट्टा दो हो जाएगा, इन सबको उधर लेके चल जाते हैं, तो सिक्स सी बराबर एक प्लस का तीन बट्टा दो और माइनस का पांच बट्टा दो, सिक्स सी बराबर में एलसीएम ले लेते हैं दो, दो प्लस तीन माइनस पांच, ये तो ऊपर जीरो हो गया, जीरो बट्टा टू यानी कि जीरो, यानी कि यहाँ से सी का वैल्यू, सिक्स सी का वैल्यू जीरो, यानी सी का वैल्यू जीरो आ गया, तो ए बी सी डी चारों निकल गया ना। अब हम लोग इसको लेके इंटीग्रेट कर देंगे, चलिए तो इसको लेके हम लोग इंटीग्रेट कर देते, पहले स्टेप को क्या है जी, वन बटा में क्या था, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, यही ना था आपका डी एक्स, इसी का इंटीग्रेशन हम लोग दिखाए थे। चलिए तो इसके बराबर में रख देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ए बटा में एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी बटा में एक्स प्लस वन डी एक्स और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सी एक्स प्लस डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। चलिए अब ए बी सी डी का वैल्यू रखते हैं, तो देख लेते हैं ए का वैल्यू है वन बाई फोर, बी का माइनस वन बाई फोर, सी का वैल्यू जीरो है और डी का वैल्यू माइनस वन बाई टू है, ठीक है। चलिए ए का वैल्यू वन बाई फोर बाहर निकालिए, इंटीग्रेशन ऑफ वन माइनस वन बटा में एक्स माइनस वन बाई टू, बी का वैल्यू माइनस वन बाई फोर, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में एक्स प्लस वन डी एक्स, सी का वैल्यू जीरो इंटू एक्स और डी का वैल्यू है, डी का वैल्यू है आपका कितना देख लो, डी का वैल्यू यहाँ पे आया है ऊपर माइनस का वन बाई टू, माइनस का वन बाई टू बटा में आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। चलिए वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में एक्स माइनस वन डी एक्स, माइनस वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में एक्स प्लस वन डी एक्स, और ये देखो जीरो हो जाएगा, माइनस वन बाई टू बाहर निकल जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, तो यहाँ पे इसका लॉग आ जाएगा वन बाई फोर लॉग एक्स माइनस वन हो जाएगा, यहाँ माइनस का वन बाई फोर लॉग एक्स प्लस वन हो जाएगा, और फिर माइनस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो ये देखो वन बाई फोर कॉमन कर लो और माइनस में है तो लॉग भाग में चला जाता है, एक्स माइनस वन बटा एक्स प्लस वन,
और माइनस वन बाई टू टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसका इंटीग्रेशन निकालना है ना हमें, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में एक्स इंटू एक्स का पावर एन प्लस वन से, जब इस फॉर्म में रहेगा ना, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे इसके एक पावर कम करके ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, लिखेंगे एक्स का पावर एन माइनस वन से अंश तथा हर में गुणा करने पर, अंश तथा हर में गुणा करने पर, गुणा करने पर, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में ऊपर इंटू करेंगे एक्स का पावर एन माइनस वन से, है ना, और नीचे भी एक्स इंटू में एक्स का पावर एन माइनस वन और इंटू में एक्स का पावर एन प्लस वन डीएक्स, ठीक है, ऊपर वही आ जाएगा एक्स का पावर एन माइनस वन और नीचे देखो इसमें कुछ नहीं तो पावर वन है, इंटू का तो पावर जुड़ेगा तो एक्स का पावर एन हो जाएगा और फिर इंटू में एक्स का पावर एन और फिर प्लस वन। चलिए अब इसके बाद देखो, अब इसके बाद हम लोग यहाँ पुट करके बनाने वाले हैं, कैसे बनाएंगे, पुट कर देंगे एक्स का पावर वन को टी और इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एन एक्स का पावर एन माइनस वन बराबर में डी टी बटा डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग डी एक्स को इधर लाते हैं और एन को उधर जाते हैं, तो एक्स का पावर एन माइनस वन डी एक्स बराबर में आ जाएगा डी टी बटा में एन। सर इंटीग्रेशन अब इसका आ जाएगा डी टी बटा में एन इंटू, ऊपर वन लिख देते हैं और नीचे इसको टी माने है ना, टी इंटू में टी स्क्वायर प्लस टी का पावर एन प्लस वन, सॉरी सॉरी ये भी तो आपका टी ही होगा ना, समझ गया ना, एक्स का पावर एन की जगह मैंने टी रख दिया और ये कॉन्स्टेंट जो है बाहर निकाल देते हैं, वन बाई एन इंटीग्रेशन ऑफ वन बटा में टी इंटू टी प्लस वन डी टी। चलिए अब इसके बाद आगे बनाते हैं, यहाँ पे अब मान लेंगे लेट वन वन बाई टी इंटू टी प्लस वन, या फिर मानने की जरूरत नहीं है, देखो ना इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के हिसाब से अगर मैं ऐसे ही चलूं तो भी आपका आ जाएगा वन बाई एन बाई पार्ट्स ना ले जाकर, हमें ए और बी के ही ना वैल्यू से मतलब है, मैं यहाँ पे कर देता हूं वन बटा टी माइनस वन बटा टी प्लस वन डी टी। देख लो आप यहां से ध्यान से देखो, ऐसे हम लोग यहाँ टी प्लस वन, यहाँ टी, टी से टी कटेगा यही ना आ जाएगा आपका, तो वैसे मानने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल बन गया, क्या हो जाएगा यहां से लॉग टी माइनस लॉग टी प्लस वन और फिर प्लस में सी। चलिए माइनस में तो डिवाइड में चला जाएगा ना, वन बाई एन लॉग टी बटा में टी प्लस वन, वापस हम लोग यहाँ टी का वैल्यू रख देंगे, वन बटा एन लॉग टी का वैल्यू एक्स का पावर एन है, एक्स का पावर एन बटा में एक्स का पावर एन प्लस वन प्लस सी, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, हमें इंटीग्रेशन निकालना है, कॉस एक्स बटा में दिया है वन माइनस साइन एक्स और इंटू में टू माइनस साइन एक्स डी एक्स, यहाँ पे पुट करेंगे साइन एक्स को हम लोग टी, ठीक है, डिफ्रेंसिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा साइन का डिफ्रेंसिएशन, कॉस एक्स बराबर में डी टी बटा में डी एक्स, ठीक है, यानी कि यहां से आ जाएगा आपका कॉस एक्स डी एक्स बराबर में आपका डी टी, ठीक है, कॉस एक्स डी एक्स ऊपर आपका डी टी आ गया और नीचे आपका क्या हो जाएगा वन माइनस टी और इंटू में टू माइनस टी। चलिए अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स ही बनाना होगा, लेट वन बटा में वन माइनस टी इंटू में टू माइनस टी बराबर में ए बटा वन माइनस टी और प्लस में बी बटा में टू माइनस टी। अब दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे जी, तो यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे, वन बटा में वन माइनस टी इंटू में टू माइनस टी बराबर में, इधर एलसीएम लेते हैं वन माइनस टी इंटू में टू माइनस टी, यहाँ भाग करेंगे ये जाके ऊपर गुणा करेगा ए इंटू में टू माइनस टी और प्लस इसमें से भाग करेंगे ये जाके इंटू करेगा बी इंटू में वन माइनस टी, ये आपका कट जाएगा ना। चलिए यदि टी बराबर में, यहाँ टी बराबर में अगर मैं वन रख लेता हूं तो वन रखते ही यह जीरो हो जाएगा, यहाँ वन रखने से क्या आएगा ए बचेगा, ए बराबर में वन आ जाएगा। यदि टी बराबर में मैं दो रख लेता हूं, दो रखने से यहाँ जीरो हो जाएगा और एक में से दो गया माइनस बी आ जाएगा, माइनस बी बराबर वन, यानी कि बी बराबर में यहाँ पर आ जाएगा माइनस का वन। चलिए अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई में वन माइनस टी इंटू में टू माइनस टी डी टी, ठीक है, चलिए बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ ए बटा में वन माइनस टी डी टी, इसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं,
ठीक है, और फिर प्लस में b बटा में 2 माइनस t dt। चलिए अब a और b का वैल्यू यहाँ रख देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a b का वैल्यू रखते हैं, a का वैल्यू 1 है ना, 1 बटा में 1 माइनस t dt, और यहाँ पर b का वैल्यू हमारा माइनस 1 है, तो माइनस में बाहर निकाल देता हूँ, और 1 बटा में 2 माइनस t dt। अब देखिए एक्चुअल में यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या है, इसका डिफरेंसिएशन जो होगा ना, इसका डिफरेंसिएशन माइनस 1 आएगा, तो ऊपर माइनस यहाँ भी लगाएंगे यहाँ भी लगाएंगे, ठीक है, और नहीं तो आप इसमें से माइनस नीचे से कॉमन कर लो, तो ऊपर 1 और बटा में t माइनस 1 dt हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस कॉमन कर लो, क्योंकि इसका डिफरेंसिएशन माइनस का 1 होगा, इसलिए इसमें से माइनस कॉमन करते हैं, यहाँ प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा में t माइनस 2 हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग t माइनस का लॉग t माइनस 1, और इसका हो जाएगा लॉग t माइनस 2, ठीक है, और प्लस में c, तो ये प्लस में ये माइनस में है, चलिए तो भाग में चला जाएगा ना जी, लॉग लॉग क्या हो जाएगा यहां से t माइनस 2 और बटा में t माइनस 1 प्लस c, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, या आंसर के रूप में लिखना है तो इसे ऐसे ना लिखकर, ना आंसर के हिसाब से हमें लिखना है तो इसे ऐसे ना लिखकर हम लोग एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं जी, थोड़ा सा देख लीजिए, ये वाले स्टेप के बाद ही हम लोग करते हैं, ठीक है, हम लोग देखो क्या करते हैं, इसके बाद मैं क्या करता हूं, यहाँ पे माइनस से बाहर भी और अंदर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ माइनस किया तो प्लस हो गया, और यहाँ माइनस दे दिया, ठीक है, बटा में 2 माइनस टी। अब ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस का लॉग 1 माइनस टी, क्योंकि आंसर में 1 माइनस टी के फॉर्म में इसी तरह से है, और यहाँ पर प्लस का लॉग 2 माइनस टी प्लस, तो माइनस में तो भाग में चला जाएगा, ये भी तरीका ठीक है, लॉग 2 माइनस टी बटा में 1 माइनस टी और प्लस में सी। अब टी का वैल्यू साइन एक्स था, तो साइन एक्स यहां रख देता हूं, लॉग 2 माइनस का साइन एक्स और बटा में 1 माइनस का साइन एक्स प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर, ये भी आपका इम्प्रोपर फ्रैक्शन है, तो पहले मैं यहाँ डिवाइड का ही काम कर लूंगा, हमें इंटीग्रेशन निकालना था ना जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एक्स का, इसी का ना जी। चलिए तो हम लोग पहले इसमें इंटू करेंगे, तो एक्स का पावर 4 और प्लस में 3 एक्स स्क्वायर और प्लस में 2, और इसमें इसे गुना करेंगे तो एक्स का पावर 4 प्लस में 7 एक्स स्क्वायर और प्लस का 12, मैं यहाँ 1 से इंटू करूंगा, तो x का पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस में 12, तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा, ये कट जाएगा, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर माइनस का 10, माइनस कॉमन कर लो, 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 10 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, अब भाग नहीं जाएगा, तो 1 माइनस में 4 एक्स स्क्वायर प्लस 10 और बटा में आपका यह एक्स स्क्वायर प्लस 3, यही ना आया है जी गुना करके, तो इसके जगह पर मैं यही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, dx। तो यहाँ देखो ये अब आपका प्रॉपर फ्रैक्शन बदल गया, तो अब इसको हम लोग बनाएंगे और इसके बाद में आगे करेंगे, तो पहले हम लोग अलग अलग कर देते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 10 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट 4 एक्स स्क्वायर प्लस में 10 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स का पावर 2 प्लस 4 है ना, बराबर में ए एक्स प्लस बी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3, क्वाड्रेटिक है ना जी, और प्लस सी एक्स प्लस में डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4, उधर एलसीएम इधर, तो आपको वैसे ही रहेगा, 4 एक्स स्क्वायर प्लस का 10 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर में, इधर एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, यहाँ इससे भाग करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा, ए एक्स प्लस बी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, इसमें इसे भाग करेंगे, ये जाके ऊपर इंटू करेगा, सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3, यह देखो यह दोनों कट जाएगा, यहाँ पे ना हम लोग पुट करके ना करके हम लोग समीकरण बना के आसानी से निकाल सकते हैं, तो यहाँ समीकरण बना के ही एक्स ए बी सी डी का मान निकालेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस में 4 ए एक्स प्लस में बी एक्स स्क्वायर और प्लस में 4 बी, ठीक है, अब इसमें इंटू करते हैं, सी एक्स क्यूब
प्लस में 3cx और प्लस में dx स्क्वायर प्लस में 3d, ठीक है 3d। चलिए अब इसके बाद देखिए, देखेंगे x क्यूब के गुणांक, x क्यूब के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक, x स्क्वायर के गुणांक, x के गुणांक, x के गुणांक तथा तथा अचर को, अचर को इक्वेट करने पर, इक्वेट करते हैं, इक्वेट करने पर। चलिए x क्यूब के गुणांक यहाँ पे ये और ये है, यानी a प्लस सी, x क्यूब का गुणांक इधर जीरो है, समीकरण एक। अब देखिए x स्क्वायर का गुणांक ये है और कहाँ है x स्क्वायर का गुणांक ये है, तो b प्लस डी बराबर में आपका चार हो जाएगा, ठीक है यह समीकरण दो रहा। अच्छा फिर अब x का गुणांक 4a और प्लस में 3c बराबर में x का गुणांक इधर कुछ नहीं है तो जीरो हो जाएगा, समीकरण तीन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा और समीकरण चार क्या हो जाएगा, तो अचर जो है 4b प्लस 3d बराबर में आपका 10। अब देखिए एक एक करके ये समीकरण आपका चार हो जाएगा। तो समीकरण एक तथा तीन से आप सॉल्व करके देख सकते हो, एक तथा तीन को सॉल्व करोगे ना तो ए और सी का मान निकल जाएगा, ए का मान जीरो आ जाएगा और सी का भी मान जीरो हो जाएगा, क्योंकि देखो ए प्लस सी बराबर जीरो, फोर ए प्लस थ्री सी बराबर जीरो, यानी ये भी जीरो आएगा, बी भी जीरो आएगा, आप निकाल के देख सकते हो। समीकरण दो तथा चार से इन दोनों से, इससे और इससे हम लोग बी और डी का मान, तो यहां से आ जाएगा बी का वैल्यू माइनस का दो और डी का वैल्यू, डी का वैल्यू यहाँ भी माइनस दो रखोगे तो उधर जाकर जुड़ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो बी और डी के ये वैल्यू आएंगे, हमें क्या करना होगा जो ऊपर वाला स्टेप था ना इसी को इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। फोर एक्स स्क्वायर प्लस 10, इंटीग्रेशन ऑफ फोर एक्स स्क्वायर प्लस 10 बटा में आपका क्या है, क्या था जी, एक्स स्क्वायर प्लस 3 और इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx और फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cx प्लस डी बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। चलिए अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं abcd का वैल्यू रखकर, तो a का तो 0 है, 0 इंटू एक्स प्लस बी का वैल्यू माइनस का 2 बटा में एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx, और यहाँ पे देखो आपका c का वैल्यू 0 है, ठीक है, और d का वैल्यू जो है, d का जो वैल्यू है वह आपका 6 है और बटा में x स्क्वायर प्लस 4 dx। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे देखो ये मैं यहाँ माइनस 2 बाहर निकालूंगा, कॉन्स्टेंट हटा दो, 1 बटा में x स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे 6 कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देता हूँ, यहाँ बच जाएगा 1 बटा में x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पे 1 बाई a यानी 1 बाई रूट 3 टैन इनवर्स x बटा में रूट 3 और प्लस 6 इसका 1 बाई 2 टेन इनवर्स x बटा में 2 प्लस c, समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं है इसे, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का 2 बाई रूट 3 टेन इनवर्स x बटा रूट 3 और यहाँ पे ये कट जाएगा 3 बार में, प्लस में 3 टेन इनवर्स x प्लस 2 x बाई 2 प्लस c, यही नया है, लेकिन हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना था ना जी, तो इसके जगह पे वो रख देंगे और इसका इंटीग्रेशन तो पता ही है, लेकिन हमें फाइनल इंटीग्रेशन ये था। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेशन ऑफ क्या था जी आपका x स्क्वायर प्लस 1 इंटू में x स्क्वायर प्लस 2 बटा में x स्क्वायर प्लस 3 इंटू में x स्क्वायर प्लस 4 dx बराबर में इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस में 4 सॉरी माइनस में ना माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस में 10 और बटा में x स्क्वायर प्लस 3 इंटू में x स्क्वायर प्लस 4, यही ना हम लोग ऊपर लाए थे, देखो यहाँ पे ऊपर जो स्टेप था हम लोग का यही था, यही है 1 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस 10 बटा में x स्क्वायर प्लस 3 और x स्क्वायर प्लस 4, यही था। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन तो आपको पता है x हो जाएगा और माइनस ये वाला रख देंगे, तो देखो माइनस वाला प्लस में प्लस वाला माइनस में चला जाएगा, यानी कि आ जाएगा माइनस का 2 बाई रूट 3 टेन इनवर्स x बटा में रूट 3 और ये प्लस, यहाँ देख रहे ना ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, समझ गए ना, एक तो ये माइनस और एक ये माइनस प्लस, और यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 टेन इनवर्स
एक्स बाई टू और प्लस में सी, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आप हमारे तीन चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे, पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और वहां पर जाकर आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। तो जल्दी से जाइए गूगल पे सर्च करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।